आइए आज हम स्टडी करेंगे उदाहरण 4.1। कह रहा है किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। तो देखिए ये वी आर, आर का मतलब रेन, रेन का मतलब होता है बरसात, वी का मतलब विलास्टी। तो ये बरसात की जो बरसात का वेग है, बरसात की चाल है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मतलब 90 डिग्री पर पृथ्वी की ओर। तो वही कह रहा है कि किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है। कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने लगती है। तो देखिए ये हमने ये बताने के लिए बनाया है चतुर्भुज, ये चारों दिशाएं बताने के लिए बनाया गया है कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। तो ये देखिए पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इसको ईस्ट, इसको हिंदी में लिख लीजिए ना समझ में आए, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऐसे ही हर जगह बनेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा, पूरब को इधर नहीं करना, ये जब भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। तो वही कह रहा है कि अब 12 मीटर पर सेकंड की ओर चाल से कुछ देर बाद हवा 12 मीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने लगती है, मतलब ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो इधर को हवा चलने लगती है। तो ये देखिए इधर को हवा चला दिया है, वी डब्ल्यू मतलब हवा का वेग या हवा की चाल। इसका ये हमारी 35 मीटर पर सेकंड है और ये हमारा 12 मीटर पर सेकंड का वेग से हवा चल रही है। पानी 35 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, हवा हमारी 12 मीटर पर सेकंड के चाल से पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, चाल है वेग नहीं। तो अब देखें बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए। तो अब देखें पहले तो 35 मीटर पर सेकंड के चाल से जो है पानी गिर रहा था, कोई बात नहीं, अगर ये हवा ना चलती तो लड़का जो खड़ा था उसको ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पानी गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो है छाता सीधा कर लेता 90 डिग्री पर। लेकिन अब समस्या यह है कि हवा चलने लगी, अब हवा चलने लगी तो हवा हमारी पूरब से पश्चिम की ओर 12 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो ये जो हमारा सदिश है और ये सदिश है, इनका दोनों का रिजल्टेंट ये जिधर जाएगा उस एंगल पर हमको छाता की दिशा रखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान देना है कि 12 मीटर पर सेकंड के चाल से पानी, हवा इधर चल रही है, पानी नीचे 35 मीटर पर सेकंड के वेग चाल से गिर रहा है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा उसी दिशा में हम अपने छाता को रखेंगे। तो इसको देखते हैं, अब देखें कह रहा है वर्षा एवं हवा के वेग को सदिशों वी आर तथा वी डब्ल्यू से चित्र 4.7 में दिखाया गया है, जैसा अभी हमने देखा है। इनकी दिशाएं प्रश्न के अनुसार प्रदर्शित की गई हैं, जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसे उन्हें दिशा बता दिया है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पानी है तो नीचे की ओर कर दिया गया है, पूरब से पश्चिम की ओर हवा चल रही है तो उधर को कर दिया गया है। सदिशों के योग के नियम के अनुसार वी आर तथा वी डब्ल्यू का परिणामी आर चित्र में खींचा गया है, जैसा अभी हमने देखा है। तो आर का परिणामी क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब अगर जो है इसको हम ऐसे खींच दें, इस तरीके से मिला दें, तो देखिए ये हमारा जो कोण है ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, या इसको देखें ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा।
तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये कोण भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही थी, अब देखिए ये भुजा बराबर है तो वी डब्ल्यू ये है तो ये भी वी डब्ल्यू हो जाएगी, इसको भी हम वी डब्ल्यू कह सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। और ये 35 है और ये 12 है, ये 35 मीटर पर सेकंड था, ये 12 मीटर प्रति सेकंड था। अब देखिए अगर तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है जिसको आर कह रहे हैं, अब ये हमारा इस त्रिभुज के लिए कहें या इस त्रिभुज के लिए, दोनों के लिए विकर्ण का काम करेगा यानी डायगोनल है। तो विकर्ण अगर निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि विकर्ण का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बराबर ये वी आर का स्क्वायर प्लस ये वी डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, वी डब्ल्यू का स्क्वायर। तो अब हमारा आर क्या हो जाएगा, आर निकालना है तो पूरे का अंडर रूट कर देंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, इस तरह होगा। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए वही काम कर लिया गया, तो हमारा वी आर निकल के आ गया, तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर से आ गया 37 मीटर पर सेकंड। अब ऊर्ध्वाधर से आर की दिशा थीटा होगी, अब ऊर्ध्वाधर से जो ये आर हमारा रिजल्टेंट आ गया परिणामी, इसकी दिशा ये थीटा होगी। ये देखिए एंगल बना है क्योंकि हवा इधर चल रही है, पानी इधर गिर रहा है, तो ये थीटा एंगल पर हमारी, क्योंकि हवा इधर चल रही है तो ये हवा जो है पानी जो ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा था इसको इधर ले जाएगा, तो कितने एंगल पर ले जाएगा, इतने एंगल पर जो भी इसका इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका और इसका जो परिणामी आएगा उसी दिशा में ये हवा पानी गिरने लगेगा। तो अब देखिए टैन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टैन थीटा बराबर तो हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, तो ये था साइन, ये था कॉस, ये था टैन, तो टैन थीटा और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो अब हमें लंब बटे आधार देखना है तो वही हमारा, तो लंब बटे आधार जो होगा वही टैन थीटा होगा। तो अब देखे जो है ये कोण थीटा है और इसको अगर हम ऐसे मिला दें, अगर इसको मिला देंगे तो जो कोण होता है उससे सटी जो भुजा होती है, दो भुजाएं हैं, एक तो ये विकर्ण है और एक ये है, तो जो बड़ी वाली भुजा होगी उसको तो विकर्ण या डायगोनल कहते हैं, जो दूसरी भुजा होगी उसको आधार कहते हैं, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ये हमारा आधार हो जाएगा और कोण के थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसको ध्यान देना, कोण के साथ वाली भुजा आधार होगी और जो बड़ी वाली भुजा होगी, ये देखिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारी विकर्ण हो जाएगी, जो छोटी भुजा होगी वो आधार हो जाएगी और कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो टैन थीटा लंब बटे आधार है, तो ये भुजा बराबर है तो ये वी डब्ल्यू है तो ये भी वी डब्ल्यू हो जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पे लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार करेंगे तो वी डब्ल्यू अपान वी आर हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपान वी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर वी डब्ल्यू अपान वी आर लिखा है, तो वी डब्ल्यू 12 है जो हवा विंड, डब्ल्यू मतलब विंड तो हवा की चाल है वो 12 है, और वी आर मतलब रेन, आर का मतलब रेन, तो पानी की चाल 35 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.343 आ जाएगा, या थीटा बराबर टैन इनवर्स, अब ये टैन इधर जाएगा तो चूंकि ये नीचे चला जाएगा थीटा बराबर इसके बटे टैन हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो टैन की पावर -1 हो जाएगी, तो टैन इनवर्स
ये ब्रैकेट में कर दिया 0.343। अब ये थीटा टैन इनवर्स 0.343 होगा, तो ये टैन टैन इतने का मान 19 डिग्री होता है। अब एक जो चैप्टर है हमारा जियोमेट्री करके, ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें जो है टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब निकालने के लिए बताया गया है। आप लोग दीपू सर से पूछ लीजिएगा कि इसमें जो है कैसे ये निकाला जाता है टैन थीटा कॉट थीटा, अगर इस तरह की संख्याएं आ जाएं तो ये थीटा की वैल्यू 19 डिग्री होगी। अब देखिए, अतएव लड़के को अपना छाता ऊर्ध्वाधर तल में ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर देखिए हवा इधर को चल रही है, पानी ऐसे गिर रहा है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट। तो 19 डिग्री अब इधर की ओर देखिए, छाता इस तरह, मतलब तो इधर पूरब है, तो छाता अगर इसको ये पूरी लाइन देखी जाए, अगर हम इसको ऐसे मिला दें इस तरीके से, तो देखिए ये हमारा पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो पूरब की दिशा पर अगर ये एंगल देखा जाए, तो पूरब की दिशा पर हमको 19 डिग्री कोण पे छाता को रखना पड़ेगा इधर को झुका करके, क्योंकि ये पानी ऐसे गिरेगा इस तरह से, तो इधर को हम लोग पूरब की ओर 19 डिग्री अगर छाता झुका दें तो लड़का भीगने से बच जाएगा। तो वही कह रहा है देखिए कि अतएव लड़के को अपना छाता ऊर्ध्वाधर तल में ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। समझ में आ गया? ऊर्ध्वाधर का मतलब 90 डिग्री एकदम ऊपर से नीचे की ओर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अभी हमने जोड़ना पढ़ा था, अब रिजोल्यूशन मतलब उसको, वियोजन मतलब तोड़ना पढ़ेंगे। तो वियोजन का मतलब तोड़ना। तो देखिए, मान लीजिए कि ए व बी किसी समतल में भिन्न दिशाओं वाले दो शून्येतर शून्य नहीं सदिश हैं, तथा ए इसी समतल में कोई अन्य सदिश है। तो ये कह रहा है कि हम दो सदिश मान लेते, कह रहे हैं मान लीजिए कि ए व बी किसी समतल में भिन्न दिशाओं वाले दो शून्येतर सदिश हैं। तो ए और बी दो सदिश हैं जिनकी दिशाएं अलग अलग हैं, और शून्येतर का मतलब जो शून्य नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी संख्या वाले, तथा ए इसी समतल में कोई अन्य सदिश है, और कैपिटल ए कोई दूसरा सदिश है। ए और बी स्मॉल में कोई सदिश हैं जिनकी दिशाएं एक नहीं है, और कैपिटल ए कोई दूसरा सदिश है। तो चित्र 4.8 देखते हैं। ये देखिए, चित्र 4.8 में दिखाया गया है ए और बी, ये ए की दिशा दूसरी है, बी की दिशा दूसरी है, और ये कैपिटल ए हमारा तीसरा सदिश है। तो अब इसको देखते हैं, चित्र 4.8, तब कैपिटल ए को दो सदिशों के योग के रूप में वियोजित किया जा सकता है। तो जब तब ये जो है देखिए, किसी समतल में कह रहा है, मतलब एक ही तल में है, जैसे हमारा कागज है तो इसी तल में, ऊपर नीचे नहीं, इसी तल में। तो कह रहा है तब ए को दो सदिशों के योग के रूप में वियोजित किया जा सकता है। तब ये कैपिटल ए है, इसको दो सदिशों के योग के रूप में वियोजित किया जा सकता है। तो अब देखें, यहां पर चित्र के हिसाब से हम लोग सारा चीज समझते जाएंगे। तो एक सदिश ए के किसी वास्तविक संख्या के गुणनफल के रूप में, और इसी प्रकार दूसरा सदिश बी के गुणनफल के रूप में है। अब यहां पर देखिए, ए और बी जो है, तो इनमें देखिए ए में लैम्डा का, बी में म्यू का गुणा कर दिया है, और ये कह रहा है कि किसी कोई संख्या के साथ, गुणनफल के साथ ये हमारे पास उपस्थित है। तो अब क्या कह रहा है कि ऐसा करने के लिए पहले एक खींचिए जिसका पुच्छ ओ तथा शीर्ष पी है। अब सबसे पहले हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैपिटल ए है हमारा, इसी को वियोजित करना है कैपिटल ए को, स्मॉल ए और स्मॉल बी के रूप में। तो ए को एक खींच
खींच लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ए खींच लिया, और ओ इसकी पूंछ है और ए इसका सिर है, यानी ये टेल है ये हेड है, तो ओपी हमारा कैपिटल वेक्टर ए हो गया, इसको ध्यान देना। अब देखिए एक सदिश, हाँ ये हो गया, ऐसा करने के लिए ओ खींचिए, पूंछ हो गई, फिर ओ से ए के समांतर एक सरल रेखा खींचिए तथा पी से एक सरल रेखा बी के समांतर खींचिए। तो अब ओ से जो है ए के समांतर खींचना है और पी से बी के समांतर, कहने का मतलब ये है कि पूंछ से ए के समांतर खींचना है, तो ए जिधर को गया है ए के समांतर खींच दिया, और जैसे इसमें इसका सिर इधर है पूंछ इधर है तो इसका भी पूंछ इधर सिर इधर कर दिया, और फिर पी के समांतर खींचना है जिधर ये बी है समांतर, तो बी जिधर को इसी के देखिए एकदम समांतर समान अंतर पर, मतलब जैसे इसकी जिधर सिर है इसका भी सिर रहेगा और ये दूरी बीच की बराबर रहेगी, तो ये समांतर देखिए इसकी पूंछ से इसके सिर की ओर ये पी क्यू वेक्टर खींच दिए जो म्यू बी है, मतलब कहने का मतलब है ये देखिए संख्याओं का गुणा इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी लंबाई कम ज्यादा हो जा रही है। देखिए ए पहले इतना छोटा था ये बड़ा हो गया, बी इतना छोटा था ये बड़ा हो गया, क्योंकि हमें ए से मतलब है ए को वियोजित करना है, मतलब ए को तोड़ना है, तो चूंकि ये बड़े हो जा रहे हैं इसलिए कुछ संख्या का गुणा किया गया ताकि ये पता चले कि ये बड़े। अब आगे देखिए, मान लीजिए वे एक दूसरे को क्यू पर काटती हैं, अब मान लीजिए एक दूसरे को इस क्यू बिंदु पर काटती हैं, ये ए वेक्टर हो गया ये बी वेक्टर हो गया, अब ये मान लो क्यू पर काटते हैं, क्यू पर काटती हैं तब क्या होगा, क्यू पर काटती हैं तब क्या होगा, ए बराबर, अब देखिए ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ओपी, यही ओपी है, देखिए ओपी को ही वेक्टर ए बोलना है कैपिटल ए, तो ए बराबर ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू पी, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का जोड़ जो है इस वेक्टर के बराबर होगा क्योंकि दोनों का ये रिजल्टेंट है यानी परिणामी है, तो इसलिए ए बराबर ओ पी, इसी यही ओ पी है बराबर ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू पी हो जाएगा। परंतु क्योंकि ओ क्यू ए के समांतर है, ये जो ओ क्यू है ये ए के समांतर है ये जो ए है, तथा क्यू पी बी के समांतर है, क्यू पी इस बी के समांतर है, इसलिए ओ क्यू बराबर लैम्डा ए हो जाएगा, ओ क्यू बराबर लैम्डा ए चूंकि इसके समांतर है, तथा क्यू पी बराबर म्यू बी हो जाएगा क्योंकि बी के समांतर है, जहां लैम्डा तथा म्यू कोई वास्तविक संख्या है, लैम्डा और बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखिए अतः ए बराबर लैम्डा ए प्लस म्यू बी, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो रिजल्टेंट परिणामी है वो चूंकि ये लैम्डा ए है ये म्यू बी है, तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी हो जाएगा क्योंकि ए बराबर ओ क्यू प्लस क्यू पी था, ओ क्यू प्लस क्यू पी था, तो ये हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ए को स्मॉल ए व स्मॉल बी के अनुदिश दो सदिश घटकों क्रमशः लैम्डा ए तथा म्यू बी में वियोजित किया जा सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं जब इतना हमें पता चल गया कि ए बराबर इतना प्लस इतना है, तो ए को हम इसमें और इसमें विभाजित कर सकते हैं या वियोजित कर सकते हैं अलग अलग। इस विधि का उपयोग करके हम किसी सदिश को उसी समतल के दो सदिश घटकों में वियोजित कर सकते हैं यानी रिजॉल्व कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। एकांक परिमाण के सदिशों की सहायता से समकोणिक निर्देशांक निकाय के अनुदिश किसी सदिश का वियोजन सुविधाजनक होता है। इसको ध्यान दीजिए कि एकांक परिमाण के सदिशों की सहायता से, जिनका परिमाण एक हो, तो एकांक सदिशों की परिमाण की सहायता से, परिमाण है देखिए मैग्नीट्यूड, के सदिशों की सहायता से समकोणिक निर्देशांक निकाय के अनुदिश जिसका निर्देशांक निकाय समकोण हो यानी 90 डिग्री हो के अनुदिश किसी सदिश का वियोजन सुविधाजनक होता है। ज्यादा आसान रहेगा अगर 90 डिग्री कोण के आधार पर करेंगे। ऐसे सदिशों को एकांक सदिश कहते हैं जिस पर हम परिचर्चा करेंगे।
तो अब एकांक सदिश कहते हैं ऐसे सदिशों को जिसको 90 डिग्री के या समकोणिक निर्देशांक के हिसाब से वियोजित किया जाए जिसका परिमाण एक हो, यानी मैग्नीट्यूड एक हो। तो अब एकांक सदिश के बारे में नीचे हमको बताया जा रहा है। तो अब देखते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश को अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर देखिए, ए वेक्टर ऑफ यूनि मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को एकांक सदिश कहते हैं। ए यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कुल मिला के एकांक सदिश का मतलब उसका जो है मैग्नीट्यूड यानी परिणामी एक होता है। इसको देखते हैं। तो एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो। दिशा होगी सब कुछ क्योंकि सदिश है, लेकिन उसका परिमाण जो है वो एक होता है। इसको ध्यान देना, परिमाण उसका एक होता है। अब देखिए, ना तो इसकी कोई विमा होती है और ना ही कोई मात्रक। एकांक सदिश है तो इसकी ना कोई विमा होगी और ना ही कोई मात्रक होगा। मात्र दिशा व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है, केवल दिशा व्यक्त करने के लिए इसको उपयुक्त किया जाता है एकांक वेक्टर को। इसका ना कोई मात्रक होता है और ना कोई इसकी विमा यानी डायमेंशन और यूनिट नहीं होती है। चित्र 4.9a में प्रदर्शित एक आयतीय निर्देशांक निकाय की एक्स वाई तथा जेड अक्षों के अनुदेश एकांक सदिशों को क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आई, जे, के ये एकांक वेक्टर हैं और एकांक वेक्टर को लिखने के लिए उसके ऊपर टोपी लगा दी जाती है जिसको कैप कहते हैं। इस तरह लिखते हैं, जैसे ये आई हो गया इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे, जे हो गया इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे, के हो गया इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग एकांक वेक्टर को लिखते हैं। अब चित्र 4.9a देख लेते हैं। ये देखिए 4.9a है, तो ये आई, जे, के। ये देखिए, अब इसमें एक्स वाई जेड प्लेन है। तो यक्स देखिए, मान लो इसको यक्स को पूरब दिशा में है, ये पूरब दिशा में है, तो इसके 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पे वाई हमारा उत्तर दिशा में हो जाएगा। लेकिन जो जेड है ये यक्स और वाई दोनों के 90 डिग्री कोण पर अगर पेन खड़ा कर दें, इस कागज पर पेन खड़ा कर दें तो एकदम ऊपर की ओर होगा। ध्यान देना, के हमारा अगर इस पॉइंट पे पेन खड़ा कर दें तो एकदम ऊपर की ओर होगा, इस कागज की सतह पर नहीं होगा। ये दोनों कागज की सतह पर हैं एक्स और वाई, लेकिन ये के कागज की सतह पर नहीं होगा, ऊपर की ओर हमारी तरफ है। तो इसको ध्यान देना है। ये अब चूंकि बनाया नहीं जा सकता वो ऐसा, इसलिए कागज की सतह पर बना है, जबकि ये 90 डिग्री पर एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमारी तरफ है। अगर कागज को मेज पर रख के बनाया जाए तो यक्स दाहिने हाथ की तरफ, वाई हमारा मतलब ये पूरब की तरफ, ये उत्तर की तरफ हो जाएगा और ये पूरा एकदम हमारी तरफ हो जाएगा 90 डिग्री ऊपर की ओर। लेकिन चूंकि कागज में बनाया नहीं जा सकता इसलिए ऐसा बनाया गया। तो देखिए, आई, जे, के से व्यक्त करते हैं एकांक सदिश को ऊपर टोपी लगा के, इसको कैप कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि ये सभी एकांक सदिश हैं। इसलिए अब चूंकि ये सारे एकांक सदिश हैं यानी यूनिट वेक्टर है, परिणामी एक है, तो इसका ना मात्रक है और ना ही कोई इसकी डायमेंशन यानी विमा होती है। तो अब इसको देखिए, माड ऑफ आई कैप बराबर माड ऑफ जे कैप बराबर माड ऑफ के कैप बराबर वन। तो परिणामी माड ये लाइन खींच जाती है, इसको माड बोलते हैं। माड का मतलब ये आई कैप का परिणामी है। तो परिणामी चूंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट का मतलब एक होता है, तो इसका परिणामी सबका एक ही होगा, तो एक लिख दिया। ये एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत है। देखिए, बता भी दिया कि ये एक दूसरे के लंबवत है। आई, जे के लंबवत होगा और के जो है आई और जे दोनों के लंबवत होगा। ध्यान दीजिए, आई, जे एक दूसरे के लंबवत है और के इन दोनों के लंबवत है। तो ये एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत है, इस बात को ध्यान देना।
दूसरे सदस्यों से इनकी अलग पहचान के लिए हमने इस पुस्तक में मोटे टाइप IJK के ऊपर एक कैप लगा दिया है। तो इतना ध्यान देना है कि दूसरे सदस्यों से पहचान के लिए कि ये एकांक सदस्य है, तो किताब वाले ने इनके ऊपर एक कैप लगा दिया है, क्योंकि इस अध्याय में हम केवल द्विविमीय गति का ही अध्ययन कर रहे हैं, अतः हमें केवल दो एकांक सदस्यों की आवश्यकता होगी। अब चूंकि देखिए हम इस चैप्टर में केवल समतल में गति कर रहे हैं, तो समतल में मतलब ये कागज है, पूरा समतल है, तो इसमें हम दो ही दिशा में जा सकते हैं, तीसरी दिशा में नहीं जा सकते। तीसरी दिशा कोई नहीं हो सकती, ये दो ही दिशाएं हो सकती हैं, यानी लंबाई में और चौड़ाई में, ऊंचाई में और गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि ऊंचाई और गहराई इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि इस अध्याय में हम केवल द्विविमीय गति का अध्ययन कर रहे हैं, अतः हमें केवल दो एकांक सदिशों की आवश्यकता होगी, यानी दो ही यूनिट वेक्टर अब हमें जरूरी रहेंगे। यदि किसी एकांक सदिश यन कैप को एक सदिश अदिश लैम्डा से गुणा करें तो परिणामी एक सदिश लैम्डा एन कैप होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कोई सदिश है एन कैप, उसको अदिश से गुणा करें तो वो सदिश ही उत्तर में सदिश ही आएगा, बस उसका गुणा हो जाएगा। सामान्यतया किसी सदिश ए को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ए सदिश है, इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए मतलब ए का परिणामी और इंटू एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो इस तरह भी किसी सदिश को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो सामान्यतया किसी सदिश को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, ए बराबर मॉड ऑफ ए एन कैप। यहाँ ए के अनुदिश एन कैप एकांक सदिश है, तो यहाँ पर ए के अनुदिश जो एन कैप है ये एकांक सदिश है। अब आगे देखते हैं, हम किसी सदिश ए को एकांक सदिशों आई कैप तथा जे कैप के पदों में वियोजित कर सकते हैं। अब ये जो एकांक सदिश ए है, इसको आई कैप तथा जे कैप के पदों में हम वियोजित यानी तोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि चित्र 4.9b ये है कि अनुदिश सदिश ए समतल एक्स वाई में स्थित है। अब ये ए जो है, मान लें कि ये एक समतल में स्थित है, जो एक कागज हमारा एक समतल है इसमें स्थित है। तो चित्र 4.9b के अनुदिश ए के शीर्ष से हम निर्देशांक अक्षों पर लंब खींचते हैं। तो ए के जो शीर्ष हैं, तो ए का ये जो शीर्ष है, इसके निर्देशांक के अनुदिश हम जैसे एक्स और वाई प्लेन है, मान लीजिए एक्स वाई दो ही प्लेन पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये कागज प्लेन है, ऊंचाई में जा नहीं सकते, तो के की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई या गहराई के लिए है, यानी इन दोनों के 90 डिग्री पर है, तो या तो ऊपर की ओर होगा या तो गहराई की ओर नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका जो सिर है, हेड है, और ये पूंछ है। तो हेड से दो डॉट डॉट ये लाइन खींच दी, मतलब लंब डाल दिए इस एक्स और वाई एक्सिस पर, तो ये लंब डाल दिए। तो वही कह रहा है कि चित्र 4.9b के अनुसार ए के शीर्ष से, ए का जो शीर्ष है, शीर्ष से हम निर्देशांक अक्षों पर, ये निर्देशांक अक्ष है एक्स और वाई पर लंब खींचते हैं। तो एक लंब ये खींच दिया, एक लंब ये। लंब क्यों कह रहे हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए। तो देखिए वाई एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इससे हमें दो सदिश A1 व A2 इस प्रकार प्राप्त हैं कि A1 प्लस A2 बराबर A। अब देखिए हमको ये A1 प्राप्त हो गया, A2 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये A1 को हम यहां भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं A1, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर हैं। तो अब जाहिर सी बात है परिणामी है, तो एक ये लाइन, एक ये लाइन अगर इसको ऐसे तीर कर दें तो ये ए का जो परिणामी है वो A1 प्लस A2 के बराबर होगा, क्योंकि इसकी पूंछ इसका सिर, इसकी पूंछ इसका सिर, तो ये एक त्रिभुज बन गया। और ये और ये A1 और A2 का परिणामी A है, जैसा हम पहले करते चले आए। ये दोनों को जोड़ दिया, A1 A2 को, A2 की पूंछ पर A1 का सिर रख दिया, तो ऐसे जुड़ गया। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये हमारा A2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये है, तो ये A1 का सिर और ये A2 का ये सिर हो जाएगा और ये पूंछ हो जाएगी, इस तरह जोड़। तो ये A1 और A2 अगर जोड़े जाएंगे तो परिणामी A होगा, क्योंकि यही इसका डायगोनल है, यानी
विकर्ण है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही देखिए a1 प्लस a2 बराबर a कर दिया, क्योंकि a1 एकांक सदिश i कैप के समांतर है। जो a1 है ये i कैप, ये देखिए i कैप है तो ये i की इसी के समांतर है, ये वाला a1 तो i कैप के बराबर हो जाएगा। तथा a2 एकांक सदिश j कैप के समांतर है, a2 जो है ये j कैप, ये j है, ये भुजा इस ऐसे है तो j कैप के समांतर है, तो इसलिए a बराबर a1 प्लस a2 हो जाएगा। अतः a1 बराबर ax हो जाएगा, x एक्सिस में i कैप हो जाएगा, जैसा पीछे हमने बताया था कि ये एकांक सदिश का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसका वियोजन किया गया है a का दो एक्सिस में, तो a1 ax i कैप हो जाएगा, a2 ay j कैप हो जाएगा। तो a1 जो है ax, x एक्सिस में है तो ax, और i ये लिखा है i कैप, तो i कैप का गुणा हो जाएगा। a2 y में है तो a2 y j कैप हो जाएगा, क्योंकि ये j है तो गुणा हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर देखिए लिख दिया है, a1 बराबर ax i कैप, a2 बराबर ay j कैप। यहां ax तथा ay वास्तविक संख्याएं हैं, तो ax और ay जो है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार a बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप हो जाएगा, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा था। इसे चित्र 4.9c में दर्शाया गया है, चित्र 4.9c जो है उसमें दिखाया गया है। ये देखिए 9c में थीटा है, तो ax i कैप या ay j कैप होगा, ये परिणामी a हो जाएगा। अब देखिए आगे राशियों ax व ay को हम सदिश a के x व y घटक कहते हैं, यही सी बात है, x और y दिशा में। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि ax सदिश नहीं है, वरन ax i कैप एक सदिश है, इसको ध्यान देना है। ax कोई सदिश नहीं है, जब इसमें ये अभी ऊपर बताया ना राशियों ax व ay को हम सदिश a के x व y घटक मानते हैं, तो घटक की वजह से ये x y लगा दिया गया है, इसलिए ये x ax कोई सदिश नहीं है, घटक की वजह से x लगा है, इसी तरह घटक की वजह से y लगा है। जब इसमें यूनिट वेक्टर का गुणा करेंगे यानी i कैप या j कैप लिखेंगे तब ये सदिश हो जाएंगे, तो इसीलिए ax i कैप एक सदिश हो जाएगा, फिर इसी प्रकार ay j कैप एक सदिश हो जाएगा। अब देखे देखिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके ax y ay को a के परिमाण तथा उसके द्वारा x अक्ष के साथ बनने वाले कोण थीटा के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, तो अब इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसको देखिए ax बराबर a cos थीटा हो जाएगा, a y बराबर a sin थीटा हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखा गया है इसको हम बता देते हैं। अब देखिए ए एक्स की बात करें तो ये एंगल थीटा लिया गया है, ये एंगल थीटा है, तो इसको हमेशा याद रखिए, हम जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। पास में कास, सामने साइन, तो जो थीटा एंगल दिया हो उसके पास वाली भुजा में कास लिखेंगे, तो ए एक्स कास थीटा हो जाएगा, और ये सामने वाली भुजा ए एक्स साइन थीटा हो जाएगी। तो देखिए पास में थीटा है तो ए एक्स के साथ थीटा है तो कास में लिखेंगे, और ए वाई के साथ थीटा नहीं है तो इस भुजा में अगर ए एक्स को लिखेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे। तो देखिए ए एक्स बराबर ए कास थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा लिखा है ना, तो ए एक्स बराबर पास में थीटा है तो ए एक्स कास थीटा, और वाई में थीटा नहीं है दूर हो गया तो ए वाई साइन थीटा लिखेंगे। तो इसी प्रकार से इसने लिखा है, तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। समीकरण 4.13 से स्पष्ट है, यही 4.13 है कि किसी सदिश का घटक कोण थीटा पर निर्भर करता है तथा वो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो इसको ध्यान देना कि कोई भी कंपोनेंट थीटा पर निर्भर करेगा और वो
जो थीटा की वैल्यू होगी उसके हिसाब से धन ऋण या शून्य कुछ भी हो सकता है। किसी समतल में एक सदिश को व्यक्त करने के लिए अब हमारे पास दो विधियां। अब किसी समतल में व्यक्त करना है, जो ये हमारा कागज का प्लेन है, तो किसी समतल में एक सदिश को व्यक्त करने के लिए अब हमारे पास दो विधियां हैं। क्या क्या? उसके परिमाण ए तथा उसके द्वारा यक्ष अक्ष के साथ बनाए गए कोण थीटा द्वारा। तो एक परिणामी ले लेंगे ए, और उसके द्वारा यक्ष एक्सिस पर जो कोण बनाया जाएगा उस तरह व्यक्त कर सकते हैं, या फिर उसके घटकों ए एक्स तथा ए वाई द्वारा, या उसके घटक तोड़ करके हम ए एक्स या ए वाई द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप देखिए, यदि ए तथा थीटा हमें ज्ञात हो तो ए एक्स और ए वाई का मान समीकरण 4.13 के हिसाब से ज्ञात किया जा सकता है। अगर हमको ए एक्स और ए वाई ज्ञात हो, यदि ए एक्स एवं ए वाई ज्ञात हो तो ए तथा थीटा का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई थी, तो उसी तरह उसको यूज करके इसको भी हल किया जा सकता है। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए, ये देखिए ए एक्स ये ए वाई, अब ये देखिए हमारा, इसको भी ए वाई लिख सकते हैं, ए वाई लिख सकते हैं। अब ये हमारा विकर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि ए का स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यही तो था पाइथागोरस प्रमेय, कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते थे कि समकोण त्रिभुज में विकर्ण का स्क्वायर दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। अब देखिए, ये जो हमारा ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर, इसी को तो हम ए कॉस थीटा लिखे थे, ए कॉस थीटा, यही तो ए कॉस थीटा थी, पास में कॉस थीटा था तो पास में कॉस, और ये ए वाई साइन थीटा था, साइन थीटा पास में कॉस सामने साइन हमने बताया था। तब ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर थे, पूरा ए एक्स है, ये ए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही तो वैल्यू है, प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए ए वाई साइन थीटा है, तो ए का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है, यही बराबर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ए एक्स ए वाई इसी ए के घटक हैं, तो इसको ए साइन थीटा, इसको ए कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, ए साइन थीटा, ए वाई नहीं, ए साइन थीटा, और ये ए कॉस थीटा, क्योंकि इसी के ये घटक हैं दोनों, ए वाई और ए एक्स, तो ये एक एक घटक है, तो ये ए कॉस थीटा होगा, ये घटक है तो ए साइन थीटा होगा, ये पास में है थीटा के पास में है तो कॉस है, सामने है तो साइन है, इसको समझना। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये जो है इसको हटा देंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो वही चीज लिखिए। अब देखिए, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये एंगल के पास वाला आधार होता है और सामने वाला लंब होता है, तो लंब बटे आधार, तो ये हमारा ए वाई लंब है, ए एक्स हमारा आधार है, ये देखिए ए वाई है, तो चूंकि ये इसके बराबर है तो यहाँ भी ए वाई लिख सकते हैं, ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पर ए वाई लिख दिया। अब अगर इस एंगल की बात करें तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए वाई बटे ए एक्स हो जाएगा, ए वाई बटे ए एक्स, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। अब थीटा इधर टैन इधर आ जाएगा तो नीचे जाएगा, जब ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अभी इस विधि में हमने एक एक्स वाई प्लेन में किसी सदिश को उसके घटकों में वियोजित किया है। अभी इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि नहीं, जिसमें 19 डिग्री आंसर आया था क्वेश्चन, किंतु इसी विधि द्वारा किसी सदिश ए को तीन विमाओं में एक्स वाई तथा जेड अक्षों के अनुदिश तीन घटकों में वियोजित किया जा सकता है।
अब इसमें देखिए तीन घटक में वियोजित किया जा सकता था, यक्स वाई जेड प्लेन। ये देखिए अल्फा, ये बीटा, ये गामा। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए जो बनाया है इस तरह से, ये खटकोण है, वो घन जैसा, घन नहीं है क्योंकि भुजाएं सब, ये अलग भुजा है, अलग घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाकार आकार है। तो कहने का मतलब कि यक्ष हमारी पूरब है, तो ये पश्चिम है, और ये पेन यहाँ रखेंगे तो एकदम ऊपर हमारी तरफ है। देखिए तो ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ये गामा है, ये गामा। तो इसको ध्यान देना कि तीन अक्षों में वियोजित किया जा सकता है यदि ए व एक्स वाई व जेड अक्षों के मध्य कोण क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा हो, जैसा चित्र 4.9D में दिखाया गया है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर ए कास अल्फा हो जाएगा, ए वाई बराबर ए कास बीटा हो जाएगा, और ए जेड बराबर ए कास गामा हो जाएगा। अगर एंगल अल्फा बीटा गामा हो तो कास के साथ हम लोग इस प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि पास में कास सामने साइन बताया था, तो सब में उसके साथ उसका कोण आ रहा है, इसलिए कास कास लिखा है, क्योंकि पास में कास तो अल्फा के साथ लिखेंगे, अल्फा कास थीटा, कास अल्फा कास बीटा कास गामा हो जाएगा। तो ए एक्स बराबर ए कास अल्फा, ए वाई बराबर ए कास बीटा, ए जेड बराबर ए कास गामा हो जाएगा। तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। ये चित्र में देखिए जैसा बनाया गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ये गामा। तो इसको ध्यान देना है। ये देखिए भुजाएं भी बता दिया, ये एक्स, ए एक्स है, ये ए जेड है, ये ए वाई है। तो ये देखिए हमारा ए वाई यही इसके बराबर है, तो ये भी ए वाई हो जाएगा। ये देखिए हमारा ए एक्स है, तो ये हमारा ए एक्स हो जाएगा। ये देखिए ए जेड है, तो ये हमारा ए जेड हो जाएगा। पैरेलल पैरेलल वाले कहीं भी लिखे जा सकते हैं। देखिए नीचे बताया भी है कि सदिश ए का एक्स वाई एम जेड अक्षों के अनुदिश घटकों में वियोजन। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए सामान्य रूप से ए बराबर, अब देखिए ए को अब तीन घटकों में वियोजित कर सकते हैं, आई जे के में, आई जे के में, और सब 90 डिग्री पर है, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, इसलिए एक्स वाई और जेड लिखा है। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप जे कैप प्लस ए वाई के कैप। तो ये तीन रूपों में वियोजित कर सकते हैं। अब सदिश ए का परिमाण क्या हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि हमने इसका तो सबका, इसका स्क्वायर बराबर सबका स्क्वायर होगा, तो ये निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे इनका सबका स्क्वायर करके। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जब एक ही प्लेन में था तो केवल एक्स वाई एक्सिस आ रही थी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता था। अब तीन प्लेन आ गए तो तीन का स्क्वायर हो गया। एक सदिश आर को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब अगर आर सदिश लिया जाए तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो एक्स वाई जेड प्लेन के लिए लिख देंगे एक्स वाई जेड, और उनके यूनिट वेक्टर आई जे के, एक्स हमारा आई, एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस में जेड जे यूनिट वेक्टर है, और जेड एक्सिस में के यूनिट वेक्टर है। तो उनके साथ आई जे के यूनिट वेक्टर लगा दिए गए। तो यहाँ एक्स वाई तथा जेड सदिश आर के अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश घटक हैं। तो इसको ध्यान देना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आगे आ जाता है सदिशों का योग यानी विश्लेषणात्मक विधि। इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।